नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। रूस के विजय दिवस से पहले यूक्रेन के कीव समेत दूसरे शहरों पर भीषण ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 35 ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन के रूस की तुलना नाजी के जर्मनी से की। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुत में खूनी संघर्ष जारी। वैगनर प्रमुख ने अपने लड़ाकों के बखमुत की ओर बढ़ने का किया दावा। रूस से हथियार मिलने का अब भी है इंतजार। यूक्रेन ने रूस पर अनाज समझौते को प्रभावी ढंग से रोकने का लगाया आरोप। ईयू ने रूस के खिलाफ पेश किए प्रतिबंधों के नए प्रस्ताव। सूडान में जल्द ही स्थायी राहत मिलने के कोई संकेत नहीं। जंग बंदी को लेकर युद्धरत पक्षों के बीच सऊदी अरब की बातचीत में कोई प्रगति नहीं। अरब लीग ने युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के लिए त्रिपक्षीय समिति की घोषणा की। खार्तूम में भीषण लड़ाई जारी। गंभीर वित्तीय संकट में फंस सकता है अमेरिका। अमेरिका की वित्त मंत्री ने दी चेतावनी। अमेरिका पर मंडरा रहा है डिफॉल्ट होने का खतरा। 1 जून तक बिलों के भुगतान के लिए खत्म हो सकती है नकदी। जो बाइडेन ने कांग्रेस से बिना किसी शर्त कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग की। कांगो में बारिश और बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 400 के पार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 3000 लोगों के घर हुए ध्वस्त। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। वहीं इस सबके बीच रूस अपना विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। विजय दिवस से पहले रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की जमकर बारिश की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन के रूस की तुलना नाजी के जर्मनी से की है। अपने विजय दिवस से पहले रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की बारिशों का नया सिलसिला शुरू किया। रात भर कीव और दूसरे शहर हवाई हमलों के सायरन के शोर से गूंजते रहे। कीव में 8 दिनों में यह चौथा भीषण हमला था। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन ने ईरान निर्मित 35 शाहिद कामिकेज ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि ताजा रूसी हमला आधी रात के बाद शुरू हुआ और करीब 4 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। 36 कामिकेज ड्रोन हमारे गृहनगर की दिशा में उड़े और मिसाइल विरोधी प्रणालियों की बदौलत उन सभी को मार गिराया। 5 लोग घायल हो गए, 2 लोग अभी अस्पतालों में हैं। रात में हुए भीषण हमलों के बीच खेरसन में जारी 3 दिन का कर्फ्यू सोमवार की सुबह खत्म हो गया। स्थानीय सैन्य प्रशासन ने निप्रो नदी के पार रूसी नियंत्रित क्षेत्र से गोलीबारी बढ़ने के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के तौर पर कर्फ्यू लागू किया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन के रूस की तुलना नाजी के जर्मनी से की है। हम तब भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। पुरानी बुराई जिसे आधुनिक रूस वापस ला रहा है उसी तरह पराजित होगा जैसे नाजीबाद पराजित हुआ था। उधर यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंधों का एक नया प्रस्ताव पेश किया है। रूस पर ईयू की पाबंदी का ये 11वां चरण है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि प्रतिबंध लागू हैं, प्रभावी हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता है। हालांकि 27 देशों के संघ द्वारा अभी प्रतिबंधों के उपायों को अपनाया जाना बाकी है। उधर रूसी सेना ने दावा किया है कि पूर्वी शहर बाखमुत के पश्चिमी हिस्से में हमला करने वाली इकाइयां आक्रामक कार्रवाइयों के साथ दबाव डाल रही हैं।
वहीं रूस समर्थित समूह वैगनर ने कहा है कि उसके लड़ाके बाखमुत की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि रूस की ओर से हथियारों का मिलने का अभी भी उन्हें इंतजार है। इससे पहले वैगनर ने रूस से अधिक हथियार न मिलने की शिकायत करते हुए बाखमुत से निकल जाने की धमकी दी थी। इसके बाद रूस से हथियारों की आपूर्ति का आश्वासन मिलने के बाद वैगनर वहां बने रहने पर राजी हुआ था। जी स्नो, अब हम पूरी आक्रामकता के साथ बखमुत की ओर बढ़ रहे हैं जहां वैगनर के लड़ाके थे। यूक्रेन के पुनर्निर्माण मंत्रालय का कहना है कि रूस ने आने वाले जहाजों को पंजीकृत करने और उनका निरीक्षण करने से इनकार करके काला सागर अनाज समझौते को प्रभावी ढंग से रोक दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि ये दृष्टिकोण मौजूदा समझौते की शर्तों के विपरीत है। यूक्रेन को काला सागर बंदरगाहों से अनाज निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए पिछले साल जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ था, जो 18 मई को समाप्त होने जा रहा है। रूस का कहना है कि जब तक उसकी कृषि बागें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो इस समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा। इस बीच रूस 9 जुलाई को होने वाले विजय दिवस समारोह के लिए सैन्य परेड की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है, हालांकि कम से कम 21 शहरों ने इस तरह के आयोजन को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों ने मौजूदा हालात के कारण ये कदम उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि यूक्रेन के षड्यंत्रकारी समारोह को निशाना बना सकते हैं। तुर्की में चुनाव को सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। इस बार मुकाबला है 20 साल से सत्ता पर काबिज रेसेप तैयप एर्दोगान और विपक्ष के संयुक्त नेता कमाल किलिदारोग्लू के बीच। आने वाली 14 मई को पता चलेगा कि तुर्की की जनता एर्दोगान को ही सत्ता सौंपती है या कोई बदलाव करती है। चुनाव से एक हफ्ता पहले रैली में उमड़े जनसैलाब से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान गदगद हैं, उत्साहित हैं। दुनिया को भीड़ दिखाकर खोया हुआ उनका आत्मविश्वास जैसे वापस आ गया हो। रविवार को हुई रैली में 17 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह आने वाले 14 मई को ही पता चलेगा कि करीब 20 साल से सत्ता पर काबिज एर्दोगान की नैया ये भीड़ पार करा पाएगी या नहीं। ये आम चुनाव तुर्की के इतिहास का सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है। तुर्की के गांधी कहे जाने वाले विपक्ष के संयुक्त नेता कमाल किलिदारोग्लू आगामी चुनाव में एर्दोगान को हराकर देश के अगले राष्ट्रपति बनने की फिराक में हैं। हालांकि काफी लोग मानते हैं कि अभी भी एर्दोगान को हराना आसान नहीं है। विपक्ष का दावा है कि अगर उन्हें चुनाव में जीत मिलती है तो तुर्की को आर्थिक तौर पर फिर से मजबूत किया जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की वापसी होगी, मौजूदा विदेश नीति में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। कमाल किलिदारोग्लू ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी जीत हुई तो वो सीरिया से अपनी फौजों को वापस बुलाएंगे और सीरिया की असद सरकार से बातचीत करेंगे। चुनावी सर्वेक्षणों में पीछे दिखाई दे रहे एर्दोगान ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर लोगों से वोट मांगा। भाई भाई कमाल, मेरे कार्यकाल के दौरान 2.1 करोड़ लोगों को रोजगार और भोजन दिया गया। मेरी सरकार के दौरान पिछले 20 सालों में 1.5 करोड़ नए घर बनाए गए। अगर 14 मई को चुनाव के बाद किसी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो देश का राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो फिर 28 मई को दोबारा चुनाव होगा। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले इस चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ 6 विपक्षी दलों ने कमाल किलिदारोग्लू को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुहर्रम इंस और सिनान ओगन भी अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। एर्दोगान का दल एके पार्टी साल 2002 से सत्ता में है और वो खुद 2003 से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। शुरुआत में एर्दोगान प्रधानमंत्री थे, फिर साल 2016 में राष्ट्रपति बन गए। उनके कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है, आधिकारिक मुद्रास्फीति की दर 50% ऊपर है, हालांकि कई लोगों का दावा है कि ये 100% के करीब है। उन्हें महंगाई के लिए दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि वो परंपरागत तरीके से ब्याज के दरों को बढ़ाने से इनकार करते रहे हैं। 60 लाख नए वोटर ने एर्दोगान के अलावा किसी और नेता को सत्ता में नहीं देखा है। जानकार मानते हैं कि यही मतदाता इस बार के चुनाव की दिशा तय करने जा रहे हैं। अच्छे से बैंड विपक्ष के वादे मुझे अपनी ओर खींचते हैं। मुझे लगता है कि अधिकारों को बहाल किया जा सकता है और न्याय को फिर से स्थापित किया जा सकता है। मैं कभी सत्तारूढ़ एके पार्टी का समर्थक हुआ करता था, लेकिन उस पार्टी की नीतियों से मैं परेशान हो चुका हूँ।
तुर्की के 600 सीटों वाली संसद में प्रवेश के लिए एक पार्टी को 7% वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या ऐसा करने वाले गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत उम्मीदवारों के बजाय पार्टी को वोट देते हैं, इसीलिए सीट संख्या गठबंधन के बजाय हर एक पार्टी के लिए डाले गए वोटों के आधार पर तय होती है। राष्ट्रपति अर्दवान के बदलाव के बाद अब प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति सरकार बनाते हैं। सत्तारूढ़ एके पार्टी पीपुल्स अलायंस की पार्टी है। अर्दवान राष्ट्रपति के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अफ्रीका की ओर। सूडान में 2 सनकी जनरलों के बीच सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष का कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की अपील और मध्यस्थता भी काम नहीं कर रही है। हिंसा जारी है और लोग बेघर हो रहे हैं। खार्तूम की फिजा में छाया ये काला धुआं, 2 सिरफिरे जनरलों की सनक, शक्ति प्रदर्शन, सत्ता की लालच और आम लोगों के जलते सपनों और भविष्य के घरौंदों से उड़ता धुआं है जो दूर देश सऊदी अरब में जारी युद्धरत पक्षों के बीच वार्ता में अफनाहट पैदा कर रहा है। सऊदी अरब के राजनयिक का कहना है कि दोनों पक्ष खुद को लड़ाई जीतने में सक्षम मानते हुए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बातचीत में प्रगति न होने का असर सोमवार की सुबह सूडान की राजधानी खार्तूम में भी दिखा। खार्तूम भीषण हवाई हमलों और गोलीबारी से दहल उठा। दोनों पक्षों ने मानवीय आधार पर संघर्ष विराम की स्थापना को लेकर वार्ता के लिए सऊदी अरब में प्रतिनिधियों को भेजा है लेकिन इसमें अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। सऊदी अरब ने कहा कि स्थायी संघर्ष विराम की बात अब तक रखी ही नहीं जा सकी है। उधर खार्तूम में जारी लड़ाई अब 4th सप्ताह में प्रवेश कर गई है। लोग बिना बिजली पानी और परेशान कर देने वाली गर्मी के बीच अपने घरों में छिपे हुए हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर पलायन भी जारी है। Since the conflict broke out, करीब 25,000 से अधिक लोग सीमा पार कर चुके हैं लेकिन ये संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है। वहीं हजारों लोग सीमा पर फंसे हुए हैं, उन्हें किसी अनुकूल समय का इंतजार है लेकिन इस दौरान वे भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। हमने ठहरने के लिए मस्जिद को चुना क्योंकि ये दूर से पहचान में आती है और सेवाओं के करीब है। हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। देश में चल रहे संघर्ष विराम के बीच सूडान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भारी दबाव में है। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर कई अस्पतालों को अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई मरीज राजधानी खार्तूम और देश के अन्य प्रभावित शहरों और कस्बों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वहीं कई जान जोखिम में डालकर युद्धरत इलाकों से होकर अस्पताल तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। शहीद अल जुबैर अहमद सलीह स्वास्थ्य केंद्र पहले बंद कर दिया गया था लेकिन घायलों के इलाज के लिए फिर से इसे खोल दिया गया है। हम छोटे ऑपरेशन कर गोली जैसी चीजें निकाल देते हैं। अगर मामला गंभीर होता है तो उन्हें बड़े अस्पताल में भेज देते हैं लेकिन मजबूरी यह है कि कोई अस्पताल खुले ही नहीं है। राजधानी खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल से सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार हजारों सूडानी नागरिक विस्थापित हो गए हैं या फिर मिस्र, इथोपिया और चाड सहित सूडान और दक्षिणी और पड़ोसी देशों में सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 4,80,00,000 की आबादी वाले अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में 2,70,000 सूडानी लोग 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार कर सकते हैं। और आइए अब कांगो की बात करते हैं। पूर्वी कांगो में बाढ़ जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है और कई लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ की सबसे बुरी तरह प्रभावित कालेहे के प्रशासक ने बताया कि 401 शव मिले हैं और अन्य का पता लगाने का प्रयास जारी है। यामकुबी गांव में बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर बह गए हैं। बचाव कर्मियों और अन्य लोगों ने शवों की तलाश में मलबे को खोदने का काम शुरू कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइकलेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोखता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने सुपर पावर अमेरिका के ही डिफॉल्ट होने की चेतावनी दे डाली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका की डेट सीलिंग का गंभीर प्रभाव झेल सकती है। वहीं डेट सीलिंग में वृद्धि को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच खींचतान जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फिलहाल डेट सीलिंग को बढ़ाकर समस्या से निजात पाने का विचार है, लेकिन इसको लेकर उनके ही देश में विरोध हो रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश अमेरिका गंभीर वित्तीय संकट में फंस सकता है। खुद अमेरिका की वित्त मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। जेनेट येलेन ने बताया कि अमेरिका के पास 1 जून तक अपने बिलों का भुगतान करने के लिए नकदी खत्म हो सकती है। इस खबर ने अमेरिकी वित्त व्यवस्था को हिला कर रख दिया है।
जेनेट येलेन ने कहा कि अगर अमेरिकी कांग्रेस ने डेट सीलिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की तो देश के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो संघीय सरकार की पूरी साख दांव पर लग जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर जून के शुरुआती हफ्तों में ही डेट सेलिंग में वृद्धि नहीं की गई तो अमेरिका के सामने अपने बिलों का भुगतान करने के लिए नकदी की कमी का संकट खड़ा हो सकता है। Since 1960, कांग्रेस अपना काम कर रही है और कर्ज की सीमा बढ़ा रही है और हमें अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बना रही है। हमें उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या राष्ट्रपति ऋण जारी करना जारी रख सकते हैं। यह एक संवैधानिक संकट होगा। अमेरिका में डेट सीलिंग की स्थिति कितनी गंभीर है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से बिना किसी शर्त के कर्ज की सीमा बढ़ाने को कहा है। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि सभा ने पिछले महीने एक विधेयक पारित किया था जिसमें सरकार की $31.4 trillion ऋण सीमा को बढ़ाने की बात का जिक्र था। वहीं दूसरी तरफ प्रतिनिधि सभा ने ऋण सीमा को बढ़ाने के अवज में आने वाले दशक में खर्चों में व्यापक पैमाने पर कटौती की बात की थी। जो बाइडेन और अमेरिकी डेमोक्रेट ने प्रतिनिधि सभा की सिफारिश का कड़े शब्दों में विरोध किया था। मंगलवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैककार्थी, रिपब्लिकन सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल और शीर्ष कांग्रेसी डेमोक्रेट्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीनेट में मेजॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि डिफॉल्ट की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा करने वाले लाखों अमेरिकियों की मौत हो सकती है और देश को सामाजिक सुरक्षा शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है। So we're here today. हम आज यहाँ हाउस रिपब्लिकन के लिए एक चेतावनी के साथ है क्योंकि ये डिफॉल्ट की संभावना से जुड़ा हुआ है। इससे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद एक विषय पर सबका ध्यान दिलाना है और ये तीन शब्द है, सामाजिक सुरक्षा शटडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल डेट सीलिंग पर किसी भी प्रकार की बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इसकी नई सीमा पारित होने के बाद बजट में होने वाले खर्चों की कटौती पर चर्चा के लिए वो सहमत है। वर्तमान में डेट सीलिंग की सीमा देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन के लगभग 120% के बराबर है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि ट्रेजरी विभाग ने जिस सीमा के भीतर दायित्वों को चिन्हित कर रखा था, खर्चे जनवरी माह में उस सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। अगर फौरन इसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई तो वाशिंगटन को जुलाई या अगस्त तक पूरी तरह से उधार लेना बंद करना पड़ सकता है। पिछले हफ्ते डेमोक्रेटिक सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर ने एक बिल को लेकर सभी के बीच सहमत बनाने की कोशिश की शुरुआत की थी। बिल में डेट सीलिंग को 2 साल के लिए बिना किसी शर्त निलंबित करने की बात कही गई थी, लेकिन सीनेट और हाउस दोनों जगह रिपब्लिकन इसके पक्ष में नहीं दिखे और उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी उपाय के समर्थन में वो मतदान नहीं करेंगे। रिपब्लिकन के 43 सीनेट के एक समूह ने कहा कि वे ऐसे विधेयक पर मतदान का विरोध करते हैं जो अन्य प्राथमिकताओं से निपटाए बिना केवल अमेरिकी ऋण सीमा को बढ़ाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा है कि वो दुनिया में चल रही तीव्र जटिल प्रक्रियाओं से निपटने में मदद करने के लिए और खुद के लिए एक नया जनादेश हासिल करने के लिए एक राष्ट्रपति चुनाव करवाएंगे। रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती ने बताया कि चुनाव 9 जुलाई को होगा। उज्बेक मतदाताओं ने 30 अप्रैल को एक जनमत संग्रह में संवैधानिक संशोधनों के एक पैकेज को मंजूरी दी जो मिर्ज़ियोयेव को 2 और कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने की अनुमति देता है। 65 वर्षीय मिर्ज़ियोयेव ने कहा है कि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने वर्तमान कार्यकाल में 2 साल से कम सेवा करने के बावजूद मध्य एशियाई राष्ट्र में और सुधार करने के लिए एक नए जनादेश की आवश्यकता है। 35 मिलियन के पूर्व सोवियत गणराज्य में कोई बड़ा विपक्षी व्यक्ति नहीं है जो मिर्ज़ियोयेव को टक्कर दे सके। और आइए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ 8 मई का दिन यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक विशेष स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। आइए आपको बताते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी घटनाओं के बारे में। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की नाजी सेनाओं के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की जीत की याद है। 78वें विजय दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक विशेष स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ 8 मई का दिन यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले आर्क डी ट्रायंफ में अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया। उन्होंने चैम्स एलिसी पर फ्रांस के युद्ध नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजय दिवस का फ्रांस सहित कई देशों में बड़ा महत्व है। जर्मनी के चांसलर और नाजी पार्टी के प्रमुख एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल को खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद 7 मई को जर्मनी के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे अगले दिन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जो 9 मई से प्रभाव में आया। हालांकि अधिकांश यूरोपीय देशों में से 8 मई को ही मनाया जाता है। यद्यपि यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन मित्र राष्ट्र अब भी प्रशांत क्षेत्र में जापान से लड़ रहे थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। मानव इतिहास की सबसे भीषण तबाही ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि जापान ने भी युद्ध जारी रखा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इसके बाद जापान द्वारा 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। इनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता आदि कारण प्रमुख हैं। लगभग 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित रहीं। युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया और माना जाता है कि मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध रहा। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जाने गई, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिसमें हॉलोकॉस्ट भी शामिल है, और परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल भी इस युद्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक रही। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस के सामने कई तरह के घरेलू और बाहरी दबाव सामने आए। वे अपने अपने उपनिवेशों पर पकड़ कायम नहीं रख सके। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों में उपनिवेशवाद का अंत भी शुरू हो गया और कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।